हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज फिर से अपन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छे से 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे गाइज, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइज। सभी के सभी गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके गाइज, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने पहले सेशन के साथ में, पहले क्वेश्चन के साथ में। ओके गाइज, तो गाइज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा स्क्रीन के ऊपर, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। ओके गाइज, जय माता दी, जय महादेव। क्या आंसर बनेगा गाइज पहले क्वेश्चन का? क्वेश्चन आपका है कि हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने हुए होते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन, सब कुछ सही चल रहा, आवाज़ वगैरह आ रही है बराबर, चेक कर लेते हैं एक बार। आवाज़ आ रही है गाइज? हेलो हेलो गाइज, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो ओके गाइज, चलो आ रही है। चलो अपन शुरुआत कर लेते हैं अब अपने क्वेश्चन के साथ में। गाइज आज का अपना जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया, हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किससे बने हुए थे गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट के साथ में। ऑप्शन नंबर सी गाइज आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। क्या हुआ गाइज आज? ओके गाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट के साथ में। और गाइज बिल ओके गाइज, दांतों के अंदर कौन सा हार्ड एलिमेंट पाया जाता है गाइज, अपने दांतों के अंदर अपना पाया जाता है गाइज, क्या इनेमल पाया जाता है दांतों के अंदर, क्या पाया जाता है गाइज, सबसे हार्डेस्ट इनेमल आपका पाया जाता है गाइज, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट होता है गाइज। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस गाइज आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। ओके गाइज, तो फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है गाइज। ओके गाइज, तो आज का अपना जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किससे बने हुए होते हैं गाइज, आपका आंसर बन जाएगा ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट के साथ में बने हुए होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है गाइज Ca3PO4 का होल ट्वाइस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम कौन सा गाइज, अपना जो एंटीबायोटिक अपन काम में लेते गाइज उसका सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम कौन सा है। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो, जैसे कि अपन बात करें फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक स्पेक्ट्रम होता है यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज की रेंज मिल जाती है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से एक ही फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है गाइज उसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम के साथ में, ठीक है गाइज। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गाइज, मैंने 50 सेट काफ़ी अपलोड किए, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक समझा है आपको, और अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में अपन चल रहे हैं गाइज, डेली बेसिस के साथ में। गाइज निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है गाइज, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है एम्पीसिलिन के साथ में। ऑप्शन नंबर सी पे आप गाइज टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन गाइज ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपका आंसर बन जाएगा गाइज। पेनिसिलिन भी आप एक प्रकार का गाइज मेडिसिन के नाम है, तो पेनिसिलिन आपका किसके अंदर आता है, पेनिसिलिन किसके अंदर आ जाता है आपका, एम्पीसिलिन के अंदर आ जाता है गाइज। ओके गाइज, यहाँ से आपसे स्पेक्ट्रम पूछा गया गाइज, एक प्रकार के स्पेक्ट्रम का नाम पूछा गया गाइज, तो यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पेनिसिलिन की खोज किसने की गाइज? चलो यहाँ पे पेनिसिलिन आ गया तो पेनिसिलिन के बारे में अपन देख लेते हैं, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है गाइज, कमेंट करके बताएगा किसको पता है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन बनेंगे गाइज, अपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनेंगे क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन खोजकर्ता आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए। और यहाँ पे बायोटिक आ गया, बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया रिलेटेड अपन बात सकते हैं, एंटीबायोटिक का मतलब जो बैक्टीरिया को खत्म करेगा गाइज। एडवर्ड जेनर ने आपके चेचक के टीके की खोज की थी गाइज, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था, बैक्टीरिया जीवाणु की खोजकर्ता का जबकि ल्यूएन हॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, आंसर दीजिएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 4 अपना, अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है गाइज बता दीजिएगा, अंगोरा ऊन आपको कहाँ से देखने को मिलती है, खरगोश भेड़ लोमड़ी या बकरी, अंगोरा ऊन कहाँ से मिलती है गाइज, सही आंसर क्या जाने वाला गाइज आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, रैबिट से। देखिएगा रैबिट से या खरगोश से जो गाइज ऊन मिलती है उस ऊन को बोलते हैं अपन अंगोरा ऊन। ओके गाइज, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा गाइज, बिल्कुल सही जवाब रैबिट। निम्न में से कौन सी बीमारियाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है, कौन सी बीमारियाँ गाइज वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स फीमेल्स को करती है एज कम्पेयर टू मेल्स के, हार्ट अटैक हेपेटाइटिस जॉइंट आर्थराइटिस या गठिया बता दीजिएगा, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है गाइज, कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है गाइज आपका यहाँ पर सही आंसर जाने वाला हार्ट अटैक के साथ में, ध्यान दीजिएगा हार्ट अटैक आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करती है हार्ट अटैक एज कम्पेयर टू
पुरुषों के महिलाओं को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगर अपन उपवास करते हैं या फास्ट करते हैं गाइज, अपन अगर फास्ट करते हैं या उपवास करते हैं तो उस समय के दौरान व्यक्ति के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर कितना होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है, यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर अपन जो शुगर लेवल मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या आती है, शुगर लेवल आपका हमेशा मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर अपन फास्ट करते हैं तो फास्ट करते समय गाइज ग्लूकोज लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, अपन खाना खाते हैं गाइज, खाना खाने के बाद में अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ता है गाइज। तो उपवास के समय कितना होता है गाइज, उपवास के समय होता है आपका 70 से लेकर 100 तक होता है। अगर अपन फास्ट करते हैं उपवास रखते हैं तो उस टाइम गाइज अपना जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, वो होता है 70 से लेकर 100 तक के बीच में होता है। ओके गाइज, और उसके बाद में देखिएगा, नॉर्मल ह्यूमन ग्लूकोज ब्लड टेस्ट रिजल्ट शुड बी 70 से 100 होता है बिफोर मील्स। खाना खाने से पहले कितना होता है गाइज, खाना खाने से पहले होता है आपका 70 से 100, एंड खाना खाने के बाद में कितना हो जाता है, खाना खाने के बाद में हो जाता है आपका 180 से कम होना चाहिए, यानी खाना खाने के बाद में हो जाता है आपका 100 से लेकर 180 के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये दोनों रेंज आपको ध्यान में रखनी है, खाना खाने से पहले आपका होता है 70 से 100 और खाना खाने के बाद में आपका हो जाता है 100 से लेकर 180। यूनिट ध्यान रखिएगा गाइस, यूनिट भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके गाइस, तो आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ओके गाइस, एक तना होता है उसके पार अनुभाग में 50 वृत्त है, पेड़ की उम्र क्या बनेगी। ओके गाइज, 50 रिंग्स गाइज, कोई भी पेड़ है ये उसका तना हो गया, उस तने के चारों तरफ गाइज 50 रिंग्स है। ठीक है, 50 रिंग्स है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री, ट्री की एज क्या बनेगी गाइज। सबका सही आंसर जाना चाहिए गाइज। गाइज अपन जो बिल्कुल सही आंसर दिया गाइज, बिल्कुल वेरी गुड गाइज। पेड़ पौधों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है, उनके चारों तरफ जो भी वलय होती है, उनके चारों तरफ जो भी रिंग्स होती है गाइज, उन रिंग्स को काउंट करके पेड़ पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। तो गाइज यदि 50 रिंग्स हैं, 50 वलय हैं, तो पेड़ की आयु कितनी बन जाएगी, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल वेरी गुड, सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल सही, और ये क्या कहलाता है आपका, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है आपका। ठीक है, पेड़ पौधों की आयु डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आप लोगों के सामने, लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इलास्टिक टिश्यूज, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इलास्टिक टिश्यूज। अगर अपन लोचदार ऊतक या इलास्टिक टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा हड्डियों को एक साथ रख दें तो क्या कहलाता है, लिगामेंट्स या फाइब्रस टिश्यूज या फाइब्रिन या मांसपेशी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या आंसर बनेगा गाइज, क्या आंसर बनेगा गाइज, यहाँ पे किस पर टिक लगाओगे, जय बजरंग बली, क्या आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे। गाइज यहाँ पे आपका सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, लिगामेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब जाएगा गाइज। यदि अपनी बोन है, यदि गाइज अपनी हड्डी है उसको, यदि अपनी बोन है गाइज उसको गाइज मसल्स के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए, ये किसके द्वारा कनेक्टेड होती है। अच्छा, गाइज क्वेश्चन को देखिएगा दोबारा से, हड्डियों को कनेक्ट करना है आपको, बोन्स को कनेक्ट करना है, तो गाइज बोन टू बोन आपकी कनेक्टेड होती है लिगामेंट के द्वारा, बोन टू बोन कनेक्टेड होती है आपकी लिगामेंट के द्वारा, और गाइज बोन टू मसल्स कनेक्ट करना है तो अपना आंसर बन जाएगा टंडन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका है ओनली हड्डियों को कनेक्ट करना है आपको, ओनली हड्डियों को कनेक्ट करना है आपको, तो गाइज आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, लिगामेंट या स्नायु बंधन के साथ में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, दांतों पर निर्मित जो फ्लेक्स है किससे बना हुआ होता है गाइज। बिल्कुल वेरी गुड गाइज, दांतों के ऊपर जो फ्लेक्स बन जाता है वो किस चीज से मिलकर बनता है। फ्लेक्स फॉर्मेड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ, खाद्य कण, खाद्य कण और लार, खाद्य कण लार या मुंह का एसिड, या कण लार एसिड और बैक्टीरिया। दांतों के ऊपर गाइज जो व्हाइट व्हाइट सी जम जाता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है फ्लेक्स। सही जवाब क्या बनेगा गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका गाइज, यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा गाइज आपका, ऑप्शन नंबर डी, कण हो गए, लार हो गई, मुंह का एसिड हो गया और बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और गाइज इसका कलर किस तरीके का होता है, या तो व्हाइट है, या तो सफ़ेद हो सकता है, या थोड़ा हल्का हल्का पीला कलर हो सकता है गाइज। ठीक है, या तो सफ़ेद कलर हो सकता है इसका, या गाइज इसका हल्का हल्का पीला कलर हो सकता है गाइज। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, एक प्रकार की पतली सी फिल्म बनी हुई होती है। ठीक है, और किसकी बनी हुई होती है, ये सब आपको दे रखा है, बैक्टीरिया, मुंह का एसिड, लार और खाद्य कण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं गाइज,
रेलवे की वैकेंसी फर्जी थी, बिल्कुल फर्जी थी वो। हड्डियों और दांतों के गठन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है गाइज? अगर बोन्स बनती है या अपने जो भी टीथ है गाइज, किससे मिलके बनते हैं गाइज? ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम, लोहा कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम या कैल्शियम फॉस्फोरस। गाइज बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या बनेगा गाइज, कौन सही आंसर देंगे गाइज? गाइज मजा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा देखने को मिल रहा है। पहले वाले क्वेश्चन अपन 50 सेट में काफ़ी अच्छे अच्छे कर सके हैं, वो भी यूनिक क्वेश्चन थे, कोई रिपीटेशन नहीं था अपने 50 सेट के अंदर। ओके गाइज, गाइज यहाँ पे गाइज रेलवे का कोई भी फॉर्म आएगा तो फीस इतनी नहीं होगी। गाइज यहाँ पे आपका सही जवाब जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में, कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ में। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कैल्शियम और फॉस्फोरस। जैसे कि अभी अभी अपन फॉर्मूला में देखे थे अपने CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये देखा था आपने, जो दांत आपके मिलके बने हुए होते हैं ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिलके बनता है गाइज। ओके गाइज, गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर जाने वाला है यहाँ पे, किस भाग के अंदर शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 11 आज क्वेश्चन अभी तक यूनिक ही चलाएंगे अपन, जितने ज़्यादा हो सके यूनिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कितने सेट कर पाते हैं अपन। 50 सेट के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देख लीजिएगा गाइज, वो भी अपने यूनिक क्वेश्चन से, कोई रिपीटेशन नहीं है गाइज। यहाँ पे आपका बिल्कुल गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा गाइज, फेलोपियन ट्यूब के साथ में। ओके गाइज, और इसको क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम भी होता है गाइज ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का एक दूसरा नाम भी होता है, या इसको यूट्रिन ट्यूब भी बोला जा सकता है, ओविडक्ट या यूट्रिन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता? हवा के अंदर कौन सा घटक होता है गाइज? शीट टेट का एग्जाम कब होगा? डोंट नो, अभी तक कुछ पता नहीं बायो किंगडम साहब, हवा में, लेकिन एग्जाम कभी भी कुछ भी हो सकती है गाइज। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड की एग्जाम करवा दी गई है, कोरोना महामारी के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड की एग्जाम करवा दी गई है, तो कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का कौन सी एग्जाम कब कंडक्ट करवाए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एनी टाइम फुल रखिएगा, दिमाग घूम गया तो कभी भी करवा सकती है एग्जाम कंडक्ट। हवा में निम्न में से कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता गाइज? गाइज आपका सही आंसर जाने वाला है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। गाइज आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन आपका नहीं बदलता गाइज। रेस्पायरेशन में ओनली आपका क्या बदलता गाइज? रेस्पायरेशन में आपका CO2 बदलता है, ऑक्सीजन बदलता है और जलवाष्प बदलता गाइज। जलवाष्प भी तो आपकी ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होती है गाइज। यहाँ पे आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, नाइट्रोजन आपकी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%। ब्रह्मांड के अंदर आपका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है गाइज? ब्रह्मांड के अंदर आपका पाया जाता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है गाइज। ओके गाइज, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और वायुमंडल में आपका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? दिए गए ऑप्शन में से जवाब दीजिएगा गाइज, हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, या बोन मैरो के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ, या ब्लड के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ, या पिट्यूटरी ग्रंथि से बाहर स्रावित होने वाला एक स्राव है गाइज? हीमोग्लोबिन क्या बनेगा अपना? सही जवाब क्या बनेगा गाइज? हीमोग्लोबिन क्या है? किस पर टिक लगाओगे गाइज? गाइज आपका यहाँ पर सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, मानव रक्त में पाए जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ होता है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ होता है गाइज। और ये काम क्या करता है गाइज आपका? हीमोग्लोबिन क्या है गाइज? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है गाइज, जो किसको कैरी करता है गाइज? हीमोग्लोबिन आपका RBC में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो RBC के अंदर पाए जाते हैं, किसको कैरी करता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है गाइज। कहाँ से कैरी करता है? फेफड़ों से बॉडी के अलग अलग ऊतक तक। और रिटर्न क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स। देखिएगा, ये अपने फेफड़े हो गए, फेफड़े से अलग अलग ऊतक मान सकते हैं, तो गाइज क्या करते हैं ये लेके तो क्या जाते हैं यहाँ से, फेफड़ों से ऊतक तक तो क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, और वापिस से क्या लेके आते हैं गाइज? वापिस से क्या लेके आते हैं? CO2 को। ओके गाइज, ये काम किसका है? हीमोग्लोबिन का काम है गाइज। क्लियर है गाइज? ऑक्सीजन को कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं गाइज? फेफड़ों से बॉडी के अलग अलग ऊतकों तक लेके जाते हैं, और CO2 को वापिस रिटर्न करते हैं, उत्तक से वापिस से फेफड़ों तक CO2 को लेके आते हैं गाइज। ये साइकिल का काम करता है गाइज। कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन आपका RBC के अंदर पाया जाता है गाइज। RBC को अपन रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पुकल्स कहते हैं गाइज। और इनका जो जीवन काल होता है गाइज, वो 120 दिन का होता है।
ओके गाइज, और बोन मेरो के अंदर ये निर्माण होता है इनका, इसका आरबीसी का, आरबीसी का निर्माण होता है आपका बोन मेरो या अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है गाइज। और आपकी जो आरबीसी खत्म कहाँ पे होती है, स्प्लिन या प्लिया के अंदर जाके खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान बोला जाता है गाइज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में ब्लड प्रेशर कितना होता है गाइज एज कंपेयर टू वायुमंडलीय दबाव? अगर अपन वायुमंडलीय दबाव को कंपेयर करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है गाइज उससे कम होता है या एक ज़्यादा होता है? बीईओ का एग्जाम कन्फर्म है। बायो किंगडम विशाल शर्मा जी, इन्फॉर्मेशन नहीं पता इसकी। क्या आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे? मानव शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल कितना होता है गाइज? यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है गाइज। देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा वायुमंडलीय दबाव को अपन किस में मेजर करते हैं? बार के अंदर मेजर करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और देखिएगा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से समझिएगा गाइज, समझना है आपको एक बार यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अपना जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अपना जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है वो कितना होता है गाइज? 760 mm ऑफ Hg होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है गाइज? 760 mm और Hg होता है। अब यदि अपना ब्लड प्रेशर कितना है, जैसे कि 120 आ गया, तो वो इसमें ऐड होगा आपका। अगर आपका 120 बता रहा है तो इसका मतलब वो इसमें ऐड होगा गाइज। ओके गाइज, ये तो हो गया नॉर्मल। नॉर्मल वायुमंडलीय दाब कितना होता है ये, और ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, ह्यूमन ब्लड प्रेशर का कितना होता है? 120/80, ये भी आपको पता है। क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट आपका क्लियर है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल कितना होता है गाइज? 120/80। आगे बढ़ते हैं। यदि आपका कोई भी डॉक्टर मेजर करता है ब्लड प्रेशर का, तो वो किसके ऊपर किया जाता है? रेस्पेक्ट क्या होता है गाइज? रेफरेंस किसको लिया जाता है? किसी भी चीज़ को अपन मेजर करें तो रेफरेंस भी तो चाहिए ना अपने को। तो डॉक्टर वगैरह जो भी मेजरमेंट करते हैं वो गाइज आपका रेफरेंस लिया जाता है वायुमंडलीय दबाव को। रेफरेंस किसको लेते गाइज? वायुमंडलीय दबाव को हमेशा रेफरेंस लिया जाता गाइज। ठीक है गाइज। और दूसरी साइड क्या होता है? ऑन द अदर हैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑफ वैक्यूम। गाइज यहाँ पे देखिएगा गाइज, बोर होने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे सब चीज़ें। देखिएगा सब चीज़ें एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है गाइज, दोबारा से बता देता हूँ एक बार में। वायुमंडलीय दबाव नॉर्मल होता है 720-760, और अपन मानव शरीर का ब्लड प्रेशर लेवल होता ही है। अगर डॉक्टर अपने ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो वो रेफरेंस लेता है वायुमंडलीय दबाव को। अपनी बॉडी का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो गाइज वो मेजर रेफरेंस लेते हैं वायुमंडलीय दबाव को। और यदि वायुमंडलीय दबाव को मेजर करना है तो रेफरेंस किसको लेंगे? निर्वात को। मानव शरीर का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो रेफरेंस लिया जाएगा वायुमंडलीय दबाव को। वायुमंडलीय दबाव को मेजर करना है तो रेफरेंस लिया जाएगा वैक्यूम को। ठीक है, अब देखिएगा गाइज, यदि आपका ब्लड प्रेशर लेवल 120 आता है तो इसका मतलब वो क्या होगा? निर्वात के रेफरेंस में कितना गाइज? निर्वात के रेफरेंस में वो आपका है 880, 760 में वो ऐड हो जाएगा गाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार दोबारा से आप लोग पढ़ लीजिएगा गाइज। मुझे लगता है अच्छी चीज़ों पे आप बोर होते हो, लेकिन एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है गाइज। बीटी बैंगन के नाम से जाना जाने वाला बैंगन का अनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग रूप विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? गाइज जो मॉडिफाइड आपका है बैंगन का, वो है बीटी बैंगन। बैंगन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। ठीक है, तो ये आपका बीटी ब्रिंजल हो गया गाइज, बीटी ब्रिंजल हो गया। ये जो इसको अनुवंशिक रूप से तैयार करने का उद्देश्य क्या था गाइज? अनुवंशिक रूप से इसको तैयार करने का उद्देश्य क्या था गाइज? क्या आंसर बनेगा? कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, स्वाद और पोषक मूल्य में सुधार करने के लिए, शुष्कता प्रतिरोधी बनाने के लिए, या सेल्फ जीवन को लंबा करने के लिए? गाइज आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में, कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए। कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में गाइज WBC का व्यास कितना होता है गाइज? मानव शरीर के अंदर WBC का व्यास कितना होता है गाइज? बिल्कुल सही जवाब दिया, बीटी की फुल फॉर्म आ गई है आप लोगों के सामने, बेसिलस थ्रेडनेस। WBC का व्यास कितना होता है गाइज? डायमीटर पूछा गया है आपसे WBC का। आपका ये ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर गाइज आपका 45% क्या होता है आपके WBC, RBC, प्लाज्मा, ये प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं। 55% आपका प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में गाइज आपका 90% के समथिंग पानी होता है। तो गाइज यहाँ पे WBC का व्यास पूछा गया, तो गाइज आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में, 0.007 mm आपका व्यास होता है गाइज। ल्यूकोसाइट इन द ब्लड इंडिकेटर ऑफ डिजीज,
जो भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो बीमारी को इंडिकेट करती है आपका। अगर नॉर्मल WBC है काउंट कितना होता है पर माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर के अंदर गाइज इतनी WBC होती है, अप्रॉक्सीमेट आपके 1000 के समथिंग होती है, 4000 से 11000 के अंदर होती है, ठीक है, पर लीटर के अंदर। और गाइज वो 1% होती है टोटल ब्लड वॉल्यूम का, टोटल ब्लड वॉल्यूम का टोटल कितना होता है गाइज, वो 1% होती है गाइज, ओके गाइज। और गाइज स्पेशली क्या होता है, यदि ये आपकी डिक्रीज होती है बिलो द लोअर लिमिट तो ये क्या हो जाता है आपका ल्यूकोपेनिया हो जाता है, ठीक है। इसकी ये जो लिमिट है गाइज, अगर ये लिमिट से कम आती है आपकी, लिमिट से कम आती है गाइज तो ये क्या कहलाती है आपकी, लिमिट से डाउन हो जाती है तो ये ल्यूकोपेनिया कहलाती है। यदि आपकी लिमिट से ओवर हो जाती है, अपर लिमिट, तो ये कहलाती है ल्यूकोसाइटस, ठीक है। यदि आपका जो WBC नॉर्मली आपका होता है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, यदि ये आपका डाउन हो जाता है, तो डाउन होता है तो कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकोपेनिया होती है। यदि आपका ये ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो ये होता है तो आपका ल्यूकोसाइटोसिस, ओके गाइस। और इसका जो डायमीटर है वो होता है 0.007 mm। गाइस मकड़ी कीटों से भिन्न है क्योंकि उनके पास क्या है गाइस, बोर होने की जरूरत नहीं है गाइस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर बनेगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मकड़ी कीटों से भिन्न है क्योंकि उनके पास क्या है गाइस, 6 टांग 8 10 या 12। मकड़ी कीट से अलग है क्योंकि उनके पास कितने टांग है गाइस, सही जवाब जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 8। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, 8 टांगे है। स्पाइडर्स है कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है गाइज, आर्किनिडीज ग्रुप से बिलोंग करती है गाइज, आर्किनिडीज ग्रुप से बिलोंग करती है। और ये जो भी आर्किनिडीज होते हैं इनकी बॉडी एक तो दो सेगमेंट में बटी हुई होती है, इनकी बॉडी एक तो दो सेगमेंट में बटी हुई होती है और इनके अंदर 8 लेग्स होते हैं गाइज, ओके गाइज, कि ना ही इनके अंदर कोई विंग्स होता है ना ही कोई एंटीना होता है इनके अंदर, ठीक है गाइज। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ना ही कोई एंटीना होता है ना ही कोई विंग्स होता है, बॉडी इनके दो सेगमेंट में होती है, 8 इनके पैर होते हैं, मकड़ी की बात हो रही है इसीलिए इनको कीटवर्क से अलग रखा गया गाइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है गाइज, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, सही जवाब क्या बनेगा गाइज, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, एपिफाइट, हेलोफाइट, जेरोफाइट या लिथोफाइट। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, आपका सही आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, लिथोफाइट, ठीक है। ये आपकी चट्टानों के अंदर उगती है गाइज, ठीक है। और ये कहाँ से फीड अप करते हैं न्यूट्रिशंस को, अगर चट्टानों पे उग रहे हैं तो इनके पास में पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं गाइज, इनको इनको पोषक तत्व मिलते हैं बारिश के पानी से, ठीक है। और जितने भी उनसे के आसपास में जो भी डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स पौधे टूट टूट के गिर रहे हैं, उनसे ये पोषण प्राप्त करते हैं गाइज, ठीक है। इंक्लूडिंग देवर ऑन डेड टिश्यूज, यानी कि खुद के भी मृत उत्कों से वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो गाइज चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट कहा जाता है और वो बारिश के पानी से पोषक तत्व तो प्राप्त करते हैं, और खुद के जो भी डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनसे पोषक तत्व तो प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि खुद के डेड टिश्यू से भी वो पोषक तत्व तो प्राप्त करते हैं गाइज। लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण क्या है गाइज, लहसुन की जो विशिष्ट गंध आती है उसका कारण क्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर 21 क्या आंसर देने वाला गाइज, लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण क्या बनेगा गाइज, यहाँ पे आपका सही जवाब जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ में सल्फर का यौगिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब है गाइज, सल्फर का यौगिक, ओके गाइज। लहसुन को इंग्लिश में बोला जाता है गार्लिक, और ये किससे मिलकर बना होता है, सल्फ्यूरिक का कंपाउंड से, सल्फ्यूरिक के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है, और जिसका फॉर्मूला होता है C4H8 सल्फर, ये इसका फॉर्मूला होता है गाइज, क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंकोना पौधे क्विनिन के किस हिस्से में स्वाभाविक रूप से होता है, सिंकोना पौधों इन विच पार्ट ऑफ द सिंकोना प्लांट्स क्विनाइन अकर्स नेचुरली, क्विनिन के किस हिस्से में स्वाभाविक रूप से होता है, सिंकोना है क्विनिन से मिलता है आपको, लेकिन कौन से हिस्से से मिलता है आपका, जड़, फल, बीज या छाल, कौन से हिस्से से मिलता है गाइज आपका। आंसर जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में बार्क, छाल से मिलता है गाइज, सिंकोना से, ओके गाइज, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। मछलियाँ पानी से बाहर निकालने पर मर जाती है क्यों गाइज, बिल्कुल सही जवाब दिया, मलेरिया की मेडिसिन यहीं से प्राप्त होती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मछलियाँ पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है क्यों, मछलियाँ क्यों मर जाती है गाइज, उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है, क्या ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है इसलिए, या उनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है इसलिए, या वे सांस नहीं ले सकते, या वे पानी में नहीं जा सकते गाइज, यहाँ पे आपका सही जवाब जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में, वे सांस नहीं ले सकते,
ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। और मछलियाँ श्वसन किसके द्वारा करती है गाइज, मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, ठीक है। और जो गिल्स होती है वो ओनली ऑक्सीजन को कब कैरी करती है, जब मॉइस्चर, जब नमी हो, ठीक है, जब नमी होती है तभी गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन का सहन होता है। और जैसे ही आप पानी से बाहर निकाल दोगे गाइज, पानी से बाहर निकाल दोगे तो उनका जो गिल्स है वो ड्राई हो जाएगा, उनका गिल्स गाइज सूख जाएगा। और ऑक्सीजन कैरी कब करता है, जब नमी रहती है, मॉइस्चराइजेशन रहता है तभी, और इसलिए मछलियाँ आपकी डाई पर मर जाएगी। और ये यहाँ पे पूरा रीजन लिखा हुआ है गाइज कि मछलियाँ बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि उनका जो गिल्स है वो सूख जाता है और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है गाइज। इनमें से कौन सा पौधों के लिए मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, मैक्रोन्यूट्रेंट प्लांट्स नहीं है गाइज। देखिए ऑप्शन में से बताएगा गाइज कौन सा पौधों के लिए मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या क्लोरीन। सही जवाब क्या बनेगा गाइज, यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्लोरीन आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कीटों के श्वसन अंग का क्या नाम है गाइज, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कीट होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है गाइज, सही आंसर जाना चाहिए सबका। कीट का श्वसन अंग क्या होता है गाइज, मछली के अंदर आपका गिल्स होता है, मछली के अंदर गिल्स होता है, गिल्स को हिंदी में गलफड़ा बोला जाता है। ओके गाइज, गाइज आपका सही आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है गाइज, एक प्रकार की ट्यूब होती है ये, ध्यान दीजिएगा ट्यूब होती है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रिप्सिन क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, वसा को तोड़ता है या प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन क्या काम करता है गाइज। गाइज आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है गाइज, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। किस सोर्स से एस्प्रिन का उत्पादन होता है गाइज, एस्प्रिन का उत्पादन कहाँ से होता है गाइज बता दीजिएगा, विलो की छाल, ओक का पेड़, बबूल या यूकलिप्टस। एस्प्रिन का उत्पादन कहाँ से होता है गाइज, गाइज यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर एक के साथ में, विलो की छाल से। एस्प्रिन का उत्पादन कहाँ से होता है गाइज, विलो की छाल से होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा पेटिडोफाइटा के बारे में सही नहीं है, पेटिडोफाइटा के बारे में सही नहीं है, इनका प्रमुख चरण स्पोरोफाइट है, मुख्य प्लांट बॉडी राजनयिक है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इज डाइप्लॉइड, इसके अंदर बीज होते हैं और फूल नहीं होते हैं। तो गाइज पेटिडोफाइटा के बारे में, पेट्रियोफाइटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है गाइज, आपका यहाँ पर सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बीज मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बीज नहीं होते हैं इनके अंदर, बीज नहीं होते हैं इनके अंदर, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही है, इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइटस होता है, मेन प्लांट बॉडीज डाइप्लॉइड होता है और फ्लावर्स इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। स्वयं को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, सो सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सबका राइट आंसर बन जाएगा गाइज। समय, समय को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, बता दीजिएगा गाइज। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मास और जड़ता, दूसरा कह रहा है कि मास और बल, मास और वेग, मास और त्वरण। संवेग या मोमेंटम को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 29 का क्या आंसर हो जाएगा गाइज, मोमेंटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी के साथ में। गाइज आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मास इंटू वेलोसिटी बनता है गाइज आपका, मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट क्या बन जाएगी, मास किलोग्राम में होता है, वेलोसिटी आपका मीटर प्रति सेकंड में होता है, ये बन जाएगी गाइज इसकी यूनिट, यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। सर्च लाइट होती है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है या जो प्रावर्तक होता है वो कैसा होता है गाइज, सर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर कैसा होता है गाइज, सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर प्रावर्तक कैसा होता है गाइज, गाइज सही जवाब बनेगा आपका अवतल दर्पण के साथ में, कनकेव। जो भी सर्च लाइट होती है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और कहाँ कहाँ पे होता है गाइज, डॉक्टर्स वगैरह काम में लेते हैं अपने, जो भी ENT वाले डॉक्टर्स होते हैं, साथ ही साथ में अपनी जो गाड़ी मोटरों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर आपका काम होता है, हेडलाइट के अंदर, ध्यान दीजिएगा हेडलाइट के अंदर है, गाड़ियों के जो रेयर व्यू देखना है पीछे का, रेयर व्यू के अंदर आपका कौन सा काम आता है गाइज, उत्तल दर्पण आपका रेयर व्यू में काम आता है। कौन सा पौधों के लिए एक मैक्रो न्यूट्रेंट नहीं है गाइज, ये क्वेश्चन आ चुका अपना, दोबारा से आ गया, मैक्रो न्यूट्रेंट कौन सा नहीं है पौधों के लिए, तो गाइज यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्लोरीन आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एक न्यूमेरिकल है, चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्या आंसर आता है गाइज। यहाँ से आपसे कार्य पूछा गया है, कार्य कितना होगा,
सब यूनिट जूल में आ रही है, बिल्कुल सही है गज। यहाँ पे आपको मास दे रखा है 4 kg, मास दे दिया आपको 4 kg कि एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। क्षैतिज बढ़ रही है, वेलोसिटी देती का जी इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? वेलोसिटी इसको 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ानी है। 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड टू इंक्रीज 10 मीटर प्रति सेकंड द अमाउंट ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस ऑब्जेक्ट। तो गाइज कैसे करोगे इसको? गाइज इसमें अगर वेलोसिटी दे रखी है, इसमें गति कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले केस में निकाल लें और काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में निकाल लेते हैं। 1/2 mev² और 1/2 mev² ठीक है। तो गाइज पहले केस में कितनी बन जाएगी? 1/2 m, m कितना गाइज आपका 4 है। पहले केस में वेलोसिटी 5 आपकी, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दूसरे केस में 1/2 m, m कितना, वही m आपका 4 है, वेलोसिटी हो जाएगी 10 का स्क्वायर कर दूंगा गाइज 100 हो जाएगा। तो गाइज ये हो गई मेरी 200 ठीक है। पहले केस में कितनी बनेगी? 25 × 50 गाइज 50 से 200 जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मेरे को? 50 से 200 जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा गाइज मेरे को? तो ऑब्वियसली 150। आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। समझ में आ गया गाइज? कुछ नहीं किया गया इसमें, ओनली काइनेटिक एनर्जी का अपने फॉर्मूला लगाया। पहले केस में कितनी एनर्जी हो गई? ये होगी। दूसरे में कितनी होगी? दोनों का डिफरेंस निकाल दिया गया गाइज 150। हीटर में कोयल किसका बना हुआ होता है गाइज बता दीजिएगा? हीटर के अंदर कोयल किस चीज़ का बना हुआ होता है? नाइक्रोम या टंगस्टन या कॉपर का हीटर होते हैं, उसकी कोयल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है गाइज? हीटर की कोयल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है? क्या सही जवाब जाने वाला अपना यहाँ पे? गाइज आपका सही जवाब जाने वाला है नाइक्रोम के साथ में, बिल्कुल सही है गाइज। हीटर के अंदर अपन नाइक्रोम काम में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत बल्ब होता है, उसके अंदर अपन टंगस्टन काम में लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम के अंदर केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, निम्न में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहता है गाइज? निर्वात में केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, निम्न में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहता है गाइज? स्थिर क्या रहेगा गाइज निर्वात में गिर रहे तो? निर्वात वैक्यूम, तो स्थिर क्या रहने वाला गाइज इसके अंदर? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या कुल रैखिक संवेग या कुल यांत्रिक ऊर्जा? स्थिर क्या रहेगा गाइज? निर्वात में केवल गुरुत्व की क्रिया के तहत एक पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, निम्न में से क्या गिरने के दौरान स्थिर रहेगा गाइज? यहाँ पे आपका सही आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर नीचे गिर रहा है, अगर एक आपका बढ़ रहा है तो दूसरा आपका कम होता जाएगा, तो दोनों का जो स्थिति यांत्रिक ऊर्जा गाइज आपकी बराबर आएगी गाइज। निम्न में से कौन सा सामान्यतः उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है गाइज? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है गाइज? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है गाइज दिए गए ऑप्शन में से? ट्यूबलाइट, ट्रांसफॉर्मर, फोटोडाइट या LED? सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान 6 kg है, ये अपनी अर्थ है, अर्थ पे इसका है 6 kg। जब चंद्रमा पर मापा जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? अब इसको आ गए जब चंद्रमा पे लेके गए तो अब ये कितना बनेगा बता दीजिएगा गाइज, क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या जवाब दोगे गाइज? आंसर कोई दे ही नहीं रहे क्या? सब गायब हो गए क्या? मास कॉन्स्टेंट, बिल्कुल वेरी गुड गाइज। यहाँ पे आपको मास दे रखा है, मास आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पे भी 6 है तो यहाँ पे भी आपका 6 रहने वाला है। ओके गाइज, तो आपका सही जवाब बन जाएगा 6 kg, मास हमेशा फिक्स रहता है, चेंज होता है आपका वेट, वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, ये आपका चेंज होता है गाइज। ओके गाइज, तो आपका फिक्स रहने वाला है। जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं, यह उपकरण के किस गुण से संबंधित है? अपन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्लग को बाहर खींचते हैं तो चिंगारी निकलती है, ये चिंगारी क्यों निकलती है गाइज? रेजिस्टेंस के कारण, इंडक्टेंस के कारण, कैपेसिटेंस के कारण या वाटेज के कारण? सही जवाब क्या बनेगा गाइज? गाइज चार्ज हो जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज बन जाता है और चार्ज की वजह से वो स्पार्किंग पैदा होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटेंस के कारण। आंसर बनेगा गाइज यहाँ पे कैपेसिटेंस के कारण, क्योंकि चार्जिंग बन जाता है आपका,
जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं। यह उपकरण के किस गुण से संबंधित है? आपका सही आंसर जाने वाला कैपेसिटेंस ऑप्शन नंबर सी के साथ में। एक रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। रेक्टिफायर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है गाइज। इसका उपयोग किसको किस में बदलने के काम में आता है गाइज? रेक्टिफायर किसको किस में कन्वर्ट करता है गाइज? रेक्टिफायर के अंदर आपका डायोड लगा हुआ होता है। डायोड के कॉम्बिनेशन से आपका रेक्टिफायर बनता है गाइज। इनपुट में कौन सी करंट हटाओगे तो आउटपुट में कौन सी करंट निकलेगी? बिल्कुल सही जवाब गाइज। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम आता है गाइज। बिल्कुल सही जवाब। और इसका जो अपोजिट बनेगा गाइज वो आपका हो जाएगा इन्वर्टर के साथ में। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? चुंबकीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल किस कैटेगरी के अंदर आता है गाइज? तीनों के तीनों कौन सी कैटेगरी में देखने को मिलते हैं गाइज? काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइज। गाइज आंसर बनेगा आपका नॉन कॉन्टैक्ट। सभी के सभी आपके नॉन कॉन्टैक्ट गैर संपर्क। ठीक है गाइज आंसर बनेगा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट तो आप समझते होंगे गाइज। ठीक है तो दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं होता आपका, दो पॉइंट्स के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, तब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बनता है। और गाइज क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अपन कल करेंगे अपने नेक्स्ट सेट में करेंगे गाइज। सब लोग गायब कैसे हो गए गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 2 ओम का एक प्रतिरोध है आपके पास में गाइज, रेजिस्टेंस है आपके पास में 2 ओम का, इसके अंदर गाइज 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। आई की वैल्यू आपके पास में 5 एम्पीयर है। विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है 300 सेकंड में प्रसारित ऊर्जा, टी की वैल्यू गाइज आपको 300 सेकंड दे रखी है। प्रतिरोध में शक्ति की गणना करो गाइज, आपको पावर बतानी है। ये सब कुछ आपको दे रखा है गाइज। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके। ठीक है और मैंने बेसिक भी करवा रखे 50 सेट, एक बार उनको देख लीजिएगा। अगर बिल्कुल ही बेस कमजोर है तो 50 सेट में भी बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन दिया, रिपीटेशन बिल्कुल नहीं है उनके अंदर भी। एक बार ये चलने दो, फिर से वापस अपन इजी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे। ओके गाइज, सबसे पहले अपने को कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य होता है आपका W/T, कार्य होता है आपका शक्ति, कार्य करने की दर आपसे पूछा गया गाइज यहाँ से। तो गाइज इसको मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा गाइज? चलो पावर निकालते पहले, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मेरे पास में यदि आर दे रखा है, मेरे पास में आई दे रखा है, आई और आर दे रखा है, तो गाइज मैं आई स्क्वायर आर निकाल दूंगा। एक बार देखते हैं, देखे आई स्क्वायर आर निकाल दूं, पीकल टू आई स्क्वायर आर होता है गाइज, होता है। चलो इसको सोल्व करते हैं। आई स्क्वायर आर का मतलब क्या हो जाएगा मेरा? 5 का स्क्वायर इंटू आर यानी 2, ये हो जाएगा मेरा 25 × 2 गाइज, ये हो जाएगा मेरा 50 वाट बन चुका। ठीक है अब गाइज क्वेश्चन के अंदर आई क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द पावर इन द रजिस्टर एंड द एनर्जी डिसिपेटेड इन द गाइज, क्वेश्चन में समथिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है गाइज। पावर पूछा नहीं गया आपसे, एनर्जी पूछी गई है। क्वेश्चन में मिस्टेक है गाइज, एनर्जी पूछी गई है आपसे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गाइज 2 क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखिएगा, कैलकुलेट द पावर इन द रजिस्टर एंड द एनर्जी। ठीक है तो पावर अलग बनेगी, पावर का जो मात्रक होता है गाइज वो आपका किसके अंदर आता है? पावर आपका वाट में होता है। तो गाइज आपसे ओनली जूल आ रहा है, तो सिंपल सी बात है आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में समथिंग मिस्टेक है। ओके गाइज, क्वेश्चन में समथिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है गाइज। ठीक है, ऑप्शन हटा दिया था पावर वाला, ओनली एनर्जी कनेक्ट करनी है। तो गाइज पी इक्वल टू आपके पास में हो गया आई स्क्वायर इंटू आर हो गया, और गाइज पी को मैं टी से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो मेरा हो जाएगा एनर्जी। ठीक है गाइज, एनर्जी होगा मेरा का पावर इंटू टी के साथ में। ओके गाइज, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर से निकालता हूँ पावर, पावर हो जाएगी मेरी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू आर, आर हो गया मेरा 2, तो 25 × 2 ये हो गया गाइज 50 तो वाट में आ गया। इस 50 को गाइज मैं समय से मल्टीप्लाइड कर दूँ, समय मेरा 300 सेकंड है, 300 सेकंड, तो ये हो जाएगा गाइज मेरा 5 से 15 हज़ार, 15 हज़ार क्या बन जाएगा? वाट इंटू सेकंड बन जाएगा, और वाट इंटू सेकंड बन जाता है मेरा जूल, तो 15,000 जूल हो गया। तो गाइज इसका आंसर बन जाएगा 15 किलो जूल, 15 किलो जूल। क्लियर है गाइज, समझ में आ गया? ओके गाइज, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया अपना, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए गाइज। यहाँ पे गाइज ओनली आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, शक्ति कैलकुलेट नहीं करनी गाइज, क्वेश्चन के अंदर आपको ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एनर्जी बतानी है आपको, एनर्जी दी जाती है पावर इंटू टी के साथ में,
पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर इंटू आर के साथ में। यहाँ से गाइज मैंने पावर निकाल ली, 50 वाट हो गया। 50 वाट को मैंने 300 सेकंड से मल्टीप्लाइड किया, 15,000 वाट इंटू सेकंड बना मेरे पास में, और वाट इंटू सेकंड का मतलब हो जाता है जूल। तो गाइज आंसर बन जाएगा मेरा 15 किलो जूल के साथ में। बाकी क्वेश्चन गाइज अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, फिर से अपन 50 क्वेश्चन के साथ में। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा या तो 15,000 जूल कर दीजिएगा या 15 किलो जूल कर दीजिएगा गाइज। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के लिए अपन देखें कल से फिर अपना नेक्स्ट पार्ट के साथ में। ओके गाइज, चलो गाइज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।